नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ RSM SSB की तरफ से। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो LDC कनिष्ठ सहायक भर्ती है उससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कल की डेट में 15 नवम्बर 2018 को। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रेस विज्ञप्ति। तो दोस्तों, अपन देखते हैं इस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर क्या है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट आएगा, परिणाम में थोड़ी सी देरी होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं विद प्रूफ एंड डिटेल्स के साथ जो प्रेस विज्ञप्ति आई। एंड दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो रखी है। 15/11/2018 की विज्ञप्ति है, जिसमें बता रखा है बोर्ड की सम संख्यक विज्ञप्ति 12/11/2018 के अनुसार दिनांक जो आपकी 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर, 16 सितंबर को जो आपकी वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, LDC का कनिष्ठ सहायक भर्ती जो सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो मास्टर पेपर है, जो मास्टर प्रश्न पत्र है एवं इसकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी है, उसके लिए ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय अवधि को जो बढ़ा दिया गया है। 20 तारीख तक आप इसके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने की, वो 17 तारीख थी, जिसको 3 दिन बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वजह से आपका थोड़ा सा रिजल्ट है वो उसमें टाइम लगेगा। पहले 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना थी, तो अब जो रिजल्ट है आपका 30 तारीख तक आएगा, 30 तारीख से पहले आ जाएगा, या फिर 30 जो अभी 30 नवंबर है उस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। और आपको पता ही होगा, जो वेबसाइट का सर्वर अभी तक क्रैश चल रहा है, वेबसाइट अभी तक नहीं खुल रही है, तो इसी वजह से डेट बढ़ाई गई है। और आपकी जो 18 तारीख तक वेबसाइट है जो, वो भी अच्छे से चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी देख लीजिए, तो रिजल्ट आपका थोड़ा सा लेट आएगा, इस वजह से डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। और आप जो मास्टर पेपर से आपको अपने आंसर मैच करने हैं, जो मास्टर पेपर वेबसाइट पर आ रखा है, मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, वहाँ से आप आंसर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट है ब्लॉग पोस्ट से, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी। और आपके जिनके भी 40% बन रहे हैं, 40% मार्क्स बन रहे हैं, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, अगर 40% बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए। एंड जो मेरिट है आपकी 55 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, जो जनरल वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, 55 से ज़्यादा नहीं जाएगी मेरिट। तो अधीनस्थ बोर्ड ने भी बोल दिया है, जिनके 40% बन रहे हैं टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। तो आप अपनी जो टाइपिंग जारी रखिए, हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के अंदर इसकी टाइपिंग टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है। और जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट्स आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।